इतनी गर्मी में गोवा, ये मुझे पहला कमेंट रिसीव हुआ था जब मैंने शॉर्ट्स जो है यूट्यूब में अपलोड करा था। तो लुक एट दिस कमेंट। इवन सच बताऊँ ना तो फर्स्ट टाइम जब हम ये प्लान कर रहे थे समर वेकेशन का डेस्टिनेशन, तो हमारा था हमें बर्फ देखनी है। बर्फ तो कहीं गिरने वाली है नहीं मई के महीने में, और जहाँ हम रह रहे हैं इन मुंबई, यहाँ भी कोई ठंड तो है नहीं। तो कोई भी डेस्टिनेशन जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओवरऑल एक्सपीरियंस ना मेरा बहुत अच्छा था। सो मैंने यहाँ से बहुत सारे ड्रेसेस लिए, बहुत सारी ज्वेलरीज ली और बैग भी लिया। वहाँ पर एक आउटलेट था, ये है एक्सपोर्ट सरप्लस आउटलेट। मैंने इन्वेस्ट करा है बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस पर। Hi, this is Deepthi and welcome back to my channel. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। नोटिफिकेशन बेल जो है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा एंड येस मेरे इंडिया के संग शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलो मैं जल्दी से दिखाती हूँ अपनी गोवा से मैंने क्या क्या लिया। तो आई विल स्टार्ट माई शॉपिंग हॉल विथ क्यूट ड्रेसेस। तो ये वाला जो ड्रेस है सबसे पहले जो दिखा रही हूँ, ये पाउडर ब्लू लेसी डिटेल वाला ड्रेस है विथ फुल स्लीव्स एबव नी। इसका जो फ्रंट है इसमें आप देख सकते हो ये नॉट टाइप बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो मटेरियल है, दिस इज़ ऑसम। मैं इसी लेसी फैब्रिक में ना, मेरे पास दो और ड्रेसेस है विच आई बॉट फ्रॉम वेरोमोडा, और दूसरे वाला ड्रेस जो है वो मैंने दुबई से लिया था। दोनों ड्रेसेस काफ़ी कॉस्टली हैं, आई विल अटैच द पिक्चर्स हियर। तो ये वाला ड्रेस मुझे जस्ट 500 में मिला ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। आई मीन लुक एट द डिटेल एंड कलर, दिस इज़ सो ऑसम। मैंने पहनने के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड वेयरेबल ड्रेस है, और ऐसा कलर ना जल्दी मिलता नहीं है इन दिस डिटेल एंड दैट टू इन रुपीज़ जस्ट 500। दिस ड्रेस आई वॉन्ट टू शो यू नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी प्रिटी मॉव कलर अबव नी ड्रेस। अगैन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बीच वेयर ड्रेस है। ये फ्रंट और बैक दोनों से इसमें काफ़ी इसकी डिटेलिंग अच्छी है। बैक से ये टोटल वी बनता है और फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से आप इसको टाई कर सकते हो, बलून स्लीव्स कह सकते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक दिस इज़ परफेक्ट बीच वेयर। मैं कुछ यहाँ से शॉपिंग करके गई नहीं थी, मुझे वहीं पे जा कर के लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ जो है ये वाला स्लिप मिला मुझे, जो कि मैं बाकी के ड्रेसेस के साथ भी इसे परफेक्टली पेयर कर सकती हूँ, और ये मेरे बॉडी टाइप में बहुत अच्छा फ्लोई और क्यूट सा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताओ। दिस ड्रेस आई गॉट इट इन जस्ट ₹300। माई नेक्स्ट ड्रेस आई गॉट इट फ्रॉम एक्सपोर्ट सरप्लस हाउस। यहाँ से आप परचेस करोगे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रीमियम जो ड्रेसेस होते हैं, जो थोड़े बहुत फॉल्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, वो मिलता है। अच्छा, तो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ड्रेस को आप ठीक से चेक कर लीजिए लेने से पहले। उसमें जो भी फॉल्ट है, जो भी है, वो आपको एक्सेप्टेबल है, देन कीप इट। दिस इज़ द ड्रेस विच आई गॉट। ये जो है बिल्कुल प्योर वाइट कलर का ड्रेस है विच आई फाउंड रियली वर्सटाइल। जस्ट बेसिक ड्रेस है, इसमें बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा काम वर्क ऐसा कुछ नहीं है, प्योर वाइट है। और फ्रंट से ये क्यूट सा वी जैसा बना हुआ है, ये कुछ स्वीट हार्ट शेप जैसा है कुछ बहुत, और बैक साइड से इस तरह से प्लेन है। अच्छा, तो ये इस वाले ड्रेस में ना मुझे कुर्ता लो या कोई भी ड्रेसेस लो, मुझे पॉकेट्स मिल जाए तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें जो है दोनों साइड पॉकेट्स दिए हुए हैं और ये काफ़ी डीप सेट है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फुल लेंथ ड्रेस है, ड्रेस ऑफ कोर्स मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, लेंथ कट भी करके या फिर ऐड करके या जैसा भी आप मुझे चाहिए। इसका फैब्रिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, जैसा कि एक्सपोर्ट सरप्लस हाउस में ड्रेसेस मिलते हैं एग्जैक्टली वैसा ही है। अंदर से इसमें लाइनिंग दी हुई है विच आई फाउंड रियली गुड एंड दिस ड्रेस आई गॉट इन इट जस्ट ₹600। दिस वन I got next from export surplus shop. तो ये वाला ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बिल्कुल सैटिन जैसा ड्रेस है। इट लुक्स लाइक नाइट वेयर, मैंने ऐसा देखा था तो मुझे लगा कि ये नाइट में पहनने वाला कोई ड्रेस होगा काइंड ऑफ दैट, बट नो, दिस इज़ अ टॉप, अ ब्यूटिफुल क्यूट टॉप। मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा और इसमें जो एनिमल प्रिंट बना हुआ है काफ़ी अच्छा है। इसके साथ इनर भी अटैच है एंड दिस ड्रेस आई गॉट इन जस्ट ₹250। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द एक्सपोर्ट सरप्लस स्टोर्स, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस और टॉप्स और सब कुछ इनफैक्ट मिल जाएंगे बिल्कुल बहुत कम प्राइसेस में। सो आई गॉट 4 ब्यूटिफुल ड्रेसेस फ्रॉम गोवा। तो ड्रेसेस को कैसे परफेक्टली पहनना है इफ़ यू आर नॉट फिट, फैट भी हो और
हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ड्रेसेस को किस तरीके से पहने कि आप परफेक्ट लगे, फ्लॉलेस लगे, तो ये वाला जो मेरा वीडियो है इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आई गॉट सम ज्वेलरीज। फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू माई दिस स्टेटमेंट पीस, दिस आई गॉट इन जस्ट रुपीज 150। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। सीजन आप लोगे ना तो 250, 300, 400 के नीचे नहीं मिलता। ऑनलाइन पे मैंने ढूंढा, नहीं मिला, 150 में मिला, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ले लिया। यही होता है आप किसी भी डेस्टिनेशन में ऑफ सीजन में जाओ, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है और बीड्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है इसमें, एंड दिस इज सो गुड। नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल चोकर नेकलेस, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये आप गले में पहनो, किसी भी ब्लैक आउटफिट के साथ, वाइट रेड किसी भी चीज़ के साथ आप इसे पहन लो, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला है। ये काफ़ी मुझे ना वर्सेटाइल लगा, ये है, इस तरह से आप अपने सर पे भी पहन सकते हो, लाइक क्वीन आप अच्छे लगोगे ऐसे भी पहन करके, या फिर अपने हेयर को एक्सेसराइज करना है लाइक बैक ऑफ बन के साथ, तो भी आप इसको मैनी डिफरेंट वेज के साथ आप स्टाइल कर सकते हो। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, लाइक इट्स डिफरेंट। ये थोड़ा सा महंगा था, दिस आई पेड रुपीज 1200 फॉर दिस। नेक्स्ट आई गॉट दिस पीस ऑफ ज्वेलरी, ये रस्टिक आर्ट ज्वेलरी है और बहुत सारे आउटफिट के साथ ईजिली मैचअप हो जाएगा, एंड आई पेड रुपीज 150 फॉर दिस। और इसके लिए ये जो है ये अलग से मैंने परचेज करा था, फॉर दिस आई पेड रुपीज ओनली 25। मुझे इसके साथ कुछ मैचिंग चाहिए था और सिंपल सा चाहिए था, तो 25 रुपीज में ये मुझे मिल गया इसके साथ, तो 175 रुपीज में मुझे ये पूरा मैंने सेट बना लिया, विच आई फाउंड अच्छा है, इट्स गुड। ज्वेलरी सेक्शन में लास्ट मैंने परचेज करा है ये मल्टी लेयर वाला बोहेमियन नेक पीस, इसके साथ ये इयरिंग मेरे पास पहले से था और ये वाला एंकलेट। तो ये वाला जो एंकलेट है ना, ये नॉर्मल शैक में मैं बैठे बैठे वेट कर रही थी कि सब समंदर में खेलकर वापस आए, तब मैंने परचेस करा, एंड आई फाउंड देम रियली मैचिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला प्रॉपर सेट। आई विल वेयर देम एंड आई विल शो यू डेफिनेटली शॉर्ट्स में या शायद इसी वीडियो में अगर मैंने बना लिया तो। आई बॉट दिस फॉर रुपीज 400, इसमें उसने बार्गेन बिल्कुल नहीं करने दिया, एंड आई फाउंड कि हाँ इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, लाइक इट्स गुड, इट्स प्रिटी। द लास्ट वन इज दिस बैग, तो ये वाला बैग मुझे सिर्फ 700 रुपीज़ में मिल गया, इमेजिन 700 ओनली, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी डील लगी। अच्छा, इस वाले बैग मेरा बहुत सारी क्वालिटीज़ वहाँ पे थे जो कि 400-500 रुपीज़ में भी थे, और अमेजोन में भी मैंने देखा बाद में यहाँ पे आके तो मिल रहे थे, ठीक है। वो केन के या पता नहीं किस चीज़ के बने हुए थे, वो वॉशेबल भी नहीं थे बिल्कुल भी, और ड्यूरेबल तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग बैग चाहिए था और मुझे जो मेमोरीज़ में भी रहे और मेमोरीज़ के साथ साथ रियल में भी रहे, तो ये वाला बैग काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग था। द शॉपकीपर सेड कि वो 1200 से नीचे बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन मैंने बार्गेन करके, क्योंकि सीजन नहीं था गोवा में अभी, तो उसने मुझे 700 रुपीज में दे दिया, ये लास्ट पीस उसके पास बचा हुआ था। बैग ना कॉटन मटेरियल का है, फुली वॉशेबल है और बहुत अच्छा है। बाय द वे इसका जो ये लेस है ये चिपकाया हुआ है, ये देख सकते हो ये निकल रहा है, ये तो आई एम क्रिएटिव। इसमें पर्ल डिटेल वाला मैं स्पेशल बैग बनाऊंगी, मैं एक पोटली बैग भी बना ही रही हूँ साइड में, मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो बना लिया है, इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है दिस वन, तो उसको भी मैं उसमें पर्ल्स वाला डिटेल मुझे करना है, साथ में मैं इस बैग में भी कर दूंगी, ये वाला चीज़ जो है ये एलिमेंट हटा दूंगी, थोड़ा सा गोल्ड लाइक लेस वाला बॉर्डर लगा करके इसमें उसके साथ मैंने सोचा है। आई विल शो यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई गोवा व्लॉग। आई रियली एंजॉयड माई गोवा ट्रिप दिस टाइम। एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है, आउट ऑफ द बॉक्स मैंने सोचा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ रूल बुक जो होते हैं ना कि मनाली ठंडी में जाते हैं, ऊटी इस मौसम में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं, ये सब मैंने नहीं सोचा। आई रियली लिसन टू माई इंस्टिंक्ट, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, एंड आई रियली इंजॉयड। ठीक है, हम किसी भी वेकेशन में जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी शांति मिले, इकोनॉमिकल हो और अच्छा लगे, हमें फ़ील गुड हो, तो ये सारी चीज़ें होती है हॉलीडे के लिए, तो ये मैंने फ़ील किया। मुझे सस्ते में, आई मीन इकोनॉमिकली, सस्ते में तो नहीं कहूँगी बट इकोनॉमिकली मैंने शॉपिंग भी कर लिया, स्टे भी कर लिया, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बीच जो है जो मुझे इन्जॉय करना था वो भी किया, मैंने अपने बेटे के साथ खूब इन्जॉय करा, मुझे कम प्राइस में वो जितने भी राइड्स थे मुझे मिल गए, तो ओवरऑल जो है मुझे अच्छा लगा। मेरा ये थॉट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने में ना बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज़ दीप्ति साइनिंग ऑफ, बाय बाय।